अच्छा चले, मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर कुछ ज्वाइन होता गया तो देखेंगे। मेरे इंट्रोडक्शन के लिए आए हो आप लोगों को, कुछ लोगों को तो आइडिया होगा। मैं डॉक्टर अनम हूँ। मैं पीपीएससी के साथ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अभी काम कर रही हूँ ग्रेड 17 में, और CSS23 क्वालिफाइड हूँ मैं। बाकी इस फोरम से अभी तक मेरा करंट अफेयर्स का एक सेशन हुआ है। आप लोगों में से शायद किसी ने अटेंड भी किया होगा, कुछ नाम नजर आ रहे हैं मुझे। बाकी यूएस हिस्ट्री का इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे। इस सेशन में हम कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ सिलेबस कवर ना करें, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस जिस तरह के CSS23 में आए थे, जिस पेपर ने काफी सारे लोगों को परेशान किया, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ज्योग्राफी देखेंगे यूएस की, इसका मैप मेकिंग प्रोसेस देखेंगे सारा, ताकि हमें जैसे ही एटलस को देखेंगे ना, तो हमें चीजें ज्यादा इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड पे सिलेबस के बाद हम करंट अफेयर को जरूर इंशाल्लाह टच करेंगे, क्योंकि ग्लोबल अफेयर्स में हम सबको पता है कि यूएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, और पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग पे क्या इम्प्लीकेशन है, और पाकिस्तान का यूएस के साथ कैसा रिलेशन है, हम एंड पे थोड़ा सा वो भी देखेंगे। आप में से कौन कौन है जिसने यूएस हिस्ट्री पहले पढ़ा हुआ है? ऐसे कोई लोग हैं हमारे साथ, या जिसने पहले अटेम्प्ट दी भी हो, जिसमें यूएस हिस्ट्री अटेम्प्ट किया था? सब न्यू स्टूडेंट्स हैं। ट्वेंटी 21। शहजाद, क्या मुश्किल लगा आपको? यूएस हिस्ट्री के पेपर में एक थोड़ा सा इशू ये है, ये काफी स्कोरिंग रहा है, ये काफी इंडो पाक हिस्ट्री शुरू में हिट होता था, और यूएस हिस्ट्री ने बहुत स्कोर दिया है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली 2023 तक आते आते, ये बहुत टेक्निकल हो गया पेपर। क्वेश्चंस मोर और लेस वही थे, चीजें वही हैं जो सिलेबस में थी, कोई इस तरह की चीज नहीं थी कि जो सिलेबस से बाहर की थी, लेकिन वो इतना टेक्निकल सा पेपर था कि उसको बच्चों को क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में ही मसला हो गया। यूएस इसमें सीएसएस में सबसे बड़ी बात यह कि आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को आप अटेम्प्ट करें। हमारा अक्सर ये होता है कि हम अपनी तरफ से पेपर बहुत अच्छा करके आते हैं, लेकिन बाद में हम जब देखते हैं तो हम हमारा उस सब्जेक्ट में स्कोर कम होता है, तो हम समझ नहीं पाते कि वो स्कोर कम क्यों हुआ है। एक्चुअली रीजन ये होती है कि हमने क्वेश्चन का किसी एक पार्ट को पकड़ा और उस पे हम अच्छा खासा लिख कर आगे अपनी तरफ से हमने पेज भर दिए, लेकिन क्वेश्चन का एक और पार्ट है जो हमने मिस कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में होता ये है कि आपको फिर वो आधे मार्क्स तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए ना, तो आपका पेपर लो स्कोरिंग चला जाता है। हम इंशाल्लाह साथ साथ ये छोटी छोटी पेपर अटेम्प्टिंग जो टेक्निक्स होती हैं ये कर लेंगे, असाइनमेंट्स साथ साथ चलेंगी, आप लोग पास्ट पेपर के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे सेंड करेंगे और मैं उसको चेक कर लूंगी। हम मॉक भी लेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हो वो भी आंसर हो जाएं, और जो मैंने भी अगर आप लोगों से कुछ पूछना हो तो वो हम साथ साथ कर सकें। हम जाते हैं स्क्रीन की तरफ। जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो प्लीज कोई मुझे बता दे। जब स्क्रीन शेयर होगी तो उस टाइम पे मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख सकूंगी। वंस आई एम डन विद दैट, तो मैं वापस इसी स्क्रीन पे आऊंगी और फिर मैं आप लोगों के मैसेजेस देख के आप लोगों के इंशाल्लाह क्वेरीज जो है उनको आंसर कर दूंगी। ठीक है, पहले हम ये कर लें, हम देख लें कि हमने क्या पढ़ना है, उसके बाद मैं सिलेबस ओवरव्यू भी आपको एक दिखा दूंगी। बेसिकली यूएस हिस्ट्री को जो हमने पढ़ना है उसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला पार्ट हमारा जाएगा इसके पूरा प्रोसेस जो कॉलोनाइजेशन का था, उसके बाद
हम पढ़ेंगे ये कैसे इंडिपेंडेंस हुई इनकी। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो इनके इंटरनल इश्यूज रहे हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम इनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई वो देखेंगे, कैसे वो बेसिक जो 13 स्टेट्स थी उससे फर्दर आगे गए हम वो देखेंगे। इनके चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम देखेंगे। ठीक है, कुछ हम शॉर्ट टॉपिक्स या शॉर्ट नोट्स टाइप चीजें करेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज रिपीटेडली यूज होती हैं या जिन पे शॉर्ट नोट्स अक्सर आ जाते हैं। फिर जो कुछ वॉर्स हुई, जैसे सिविल वॉर हुई थी, सिविल राइट्स मूवमेंट थी, फिर जो इनके बाद में वर्ल्ड वॉर में जो रोल रहा यूएस का, वो सब हम पढ़ेंगे। एक ग्रेट डिप्रेशन हम पढ़ेंगे। फिर हमने कोल्ड वॉर एरा पढ़ना है, जिसमें यूएस का पार्टिसिपेशन कैसा था और उस टाइम पे किस किस तरह से डायनेमिक्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बदलती चली गई। उसके बाद हम कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में आएंगे और हम देखेंगे कि यूएस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और अभी करंट उसका ग्लोबल इम्पैक्ट कैसा है। ठीक है, ये एक रफ सा वो स्केच है जो आप समझ लेंगे हमारे सेशन की आउटलाइन है कि हमने क्या क्या कवर करना है। अगर मैं स्टार्ट करूं अभी आपको बताना, तो रफली 1492 से हम शुरू करेंगे अगर, कि उसमें कोलोनाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, इसकी रीजंस पढ़ेंगे हम कि क्या थी, क्यों इस अमेरिकन लैंड को आके कोलोनाइज किया गया। फिर हम पढ़ेंगे हाउ ब्रिटेन आया और उसने कॉलोनाइज किया। फिर हम कवर करेंगे कि 13 कॉलोनीज कैसे बनी, ये बनाई किसने, यूके ने, कहाँ बनाई, अमेरिकन वर्ल्ड में बनाई, और बाद में ये यूके की बनी हुई 13 कॉलोनीज यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे बना। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये सारी कॉलोनीज जो यूएस बनी ये कैसे रेवोल्यूशनाइज हुई, रेवोल्यूशन क्यों हुई, रेवोल्यूशन कैसे हुई और उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए। ठीक है, अब जब ये रेवोल्यूशनाइज हो गए, इन्होंने क्या सोचा कि हमने अपनी एक गवर्नमेंट बना ली है या हमने अपना एक अलग, हमारी यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तो फिर इनको किस चीज की जरूरत पड़ी, इनको जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की। इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया कि जो 13 कॉलोनीज थी वो 13 स्टेट्स हैं ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहा, अगर हाँ तो कैसे, और आइडियली क्या हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस फेल हो गया था। अब ये कैसे फेल हुआ, इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे और इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए दिया गया आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। अभी तक क्या किया हमने, हमने देखा कि अमेरिकन लैंड पे ब्रिटेन आया, उसने कॉलोनाइज किया, 13 कॉलोनीज बनाई अमेरिकन लैंड को। इधर जो था ना, ये कॉलोनाइज किया गया अमेरिकन लैंड, अभी ये यूएस नहीं था, अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स नहीं थी। ठीक है, 13 कॉलोनीज बनी और वो यूके की कॉलोनीज थी। उसके बाद वो सारी
इकट्ठी हुई, यूके के साथ लड़ी और वो उन्होंने कहा कि हम तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो इंडिपेंडेंट हो गए तो वो रेवोल्यूशनाइज होना शुरू हुए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना शुरू किया, वो 13 स्टेट्स बन गई कॉलोनी से। और बाद में क्या हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस उनका फेल हो गया। जब वो फेल हुआ तो उसको ठीक करने के लिए एक सोल्यूशन दिया गया इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। ये भी नहीं चल सका, इसमें भी प्रॉब्लम्स थे, इसमें भी इश्यूज थे। तो क्या किया गया कि एक यूएस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो आज हम देखते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ना है उसमें काफी सारे प्लान्स हम पढ़ेंगे। दो इम्पोर्टेंट प्लान जो हम पढ़ेंगे वो होगा न्यू जर्सी प्लान और एक हम पढ़ेंगे वर्जीनिया प्लान। ठीक है, ये जो आप अगर किसी ने पास्ट पेपर देखे होंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये जो हम डिबेट पढ़ते हैं कि दो तरह की रिजीम्स में डिवाइड हो गए थे यूएस के लोग, वो थी एक एंटी फेडरलिस्ट रिजीम और एक फेडरलिस्ट। अब ये क्वेश्चन रिपीटेडली पेपर्स में आ चुका है, कभी वो फेडरलिस्ट एंटी फेडरलिस्ट करके पूछ लेते हैं और कभी वो कंस्ट्रक्टिविस्ट करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो नाम चेंज करता है, हेडिंग्स चेंज करता है, लेकिन मोर और लेस चीज वही पूछी जाती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि इनका गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे चलता है, उसकी तीन इम्पोर्टेंट बॉडीज पढ़ लेंगे जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें एग्जेक्यूटिव है और जुडिशरी है। ठीक, और ये तीनों आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं थ्रू अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर कोई एक गलत होता है तो बाकी उस पे चेक एंड बैलेंस के सिस्टम के थ्रू नजर रखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज गलत जा रही है। ठीक है, फिर मैंने कहा हमने वॉर्स देखनी है, उसमें एक है यूके के साथ जो वॉर हुई थी 1812 में। वॉर में आपने हमेशा याद रखना है, सीएसएस के आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़े हो, आपने वॉर के इवेंट्स नहीं पढ़ने होते कि जी ये हुआ फलानी जगह पर जाके वो यूं लड़े, इतने बंदे उनके गए, इतने, ये चीजें कभी नहीं पढ़नी। आपने देखना है वॉर क्यों हुई, वॉर कैसे हुई और उसके इम्पैक्ट क्या आए। ठीक है, यानी उसका बैकग्राउंड देखें, वो देखें कि वो क्यों हुई, इन लोगों के बीच में क्या इश्यूज चले और उसके बाद उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़े। ठीक है, जैसे इस वॉर के बाद एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था 1820 का, वो है मिजूरी कॉम्प्रोमाइज। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी पूछा जाता है, इसका बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, ये क्यों करना पड़ा था और इसकी वजह से इम्पैक्ट्स क्या आए थे। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज जैसे वो मैंने शॉर्ट नोट्स का आप लोगों को बताया, तो उसमें हम लोग देखेंगे 1823 का मोनरो डॉक्ट्रिन। इसने एक तरह की एक न्यू डायरेक्शन दी थी यूएस को कि आप ये जंगे लड़ने की बजाय और लोगों के मामलात में इंटरवीन करने की बजाय आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करें। ठीक है, जैसे आजकल ट्रंप का वो नारा नहीं है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो भी यही कहता है ना कि हम अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे। जैसे चाइना ने किया, उसने नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी रखी, वो बाकियों के मामलात में उतना नहीं पड़ा, किसी की जंग में एज इन जाके उसने ना एड प्रोवाइड की ना वो फ्रंट फुट पे आके लड़ा, जैसे अमेरिका ने अभी भी अफगान वॉर लड़ी है, इराक वाली। तो चाइना ऐसी किसी चीज में इंडल्ज ही नहीं हुआ। रिजल्टेंटली क्या हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी जो इतनी ओवरराइप हो चुकी हुई थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला आफ्टर ऑल दिस वॉर्स, और चाइना उतने पूरे टाइम में उनकी इकोनॉमी फ्लरिश करती चली गई। तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन में बेसिकली उस टाइम पे भी अमेरिका के लिए यही एक डॉक्ट्रिन दिया गया था कि आप
नॉन इंटरवेंशन पर रहें और आप सेल्फ अपनी जो प्रोग्रेस है उस पे फोकस करें, ठीक है? ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ लेंगे, इसका हम बैकग्राउंड भी कवर करेंगे और इसकी वजह से आगे क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए हम वो भी देखेंगे। फिर बीच में काफी सारी चीजें हैं, हम वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को कवर करेंगे, इसके साथ हम ट्रेल ऑफ टीयर्स की बात करेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की बात करेंगे, ठीक है? ये चीजें इसके साथ साथ कवर होती चली जाएंगी। फिर एक वॉर हमने यूके के साथ देखी, एक वॉर क्या हुआ कि अब सारी स्टेट्स जो थी वो इकट्ठी कितना अरसा रहती, उन्होंने कहा हम आपस में भी लड़ेंगे, और इनकी लड़ाई को कहा गया अमेरिकन सिविल वॉर। वॉर में मैंने बताया हमने क्या क्या पढ़ना है, वही वाई, वही हाउ और वही उसके इम्पैक्ट, ठीक है? सिविल वॉर, जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर चलेगी, जैसे अभी आप सीरिया की सिविल वॉर देखिए, तो क्या होता है उनका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, पूरी मशीनरी, पूरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे स्ट्रक्चर्स उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई तो इनका भी यही था। अब इस सब को ठीक करने के लिए क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया, ठीक है? इस रिकंस्ट्रक्शन को नाम दिया जाता है प्रोग्रेसिव मूवमेंट का, या प्रोग्रेसिविज्म इसको कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ तो रफली यूएस की जो सारी हिस्ट्री थी ना, एक तरह से वो कंप्लीट होती है। इसके बाद वही वर्ल्ड वॉर आता है, वन वर्ल्ड वॉर टू हम ये देखेंगे, इसके बाद हम ग्रेट डिप्रेशन देखेंगे, जो कि 1920 से 1930 तक चला था, ठीक है? फिर ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने के लिए जो न्यू डील दी गई हम वो देखेंगे। अच्छा, अब जब वर्ल्ड वॉर टू वाला वो हुआ, उसके बाद एक ब्लैक्स का बड़ा इशू उठा, और ब्लैक्स ने क्या किया, सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है? फिर हम इसको देखेंगे कि ये क्या थी और इसको रिजॉल्व कैसे किया गया। कोल्ड वॉर मैंने आपको बताया कि उसको हम उसमें यूएस और यूएसएसआर को सारा देखेंगे, वर्सा पैक्ट, नेटो की बात करेंगे, ठीक है? और जब ये डिसइंटेग्रेशन हुई ऑफ यूएसएसआर, तो उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, ये कब हुई, 1991 में, तो वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो गया, यूनी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और यूएस इमर्ज एज ए होल सोल पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है? इसके बाद जो चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स है, कैसे वो मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये देखिए ये था बाइपोलर, यहाँ तक तो बाइपोलैरिटी से क्या हुआ, यूनिपोलैरिटी, और अब क्या हो रहा है, अब ये जा रहे हैं मल्टीपोलैरिटी पे, तो हम ये सारा देखेंगे। इससे आगे ना मोस्टली चीजें आईआर की हैं, तो अगर किसी का आईआर है वो साथ में यूएस हिस्ट्री रख ले तो उसको बहुत फायदा है, क्योंकि जहां मैंने आपको बताया ना प्रोग्रेसिव मूवमेंट पे यूएस हिस्ट्री एंड हो रही है, उससे आगे सारे इवेंट्स वो हैं जो आपने आईआर में कवर करने होते हैं, ये कोल्ड वॉर, ये ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर्स, ये यूनिपोलैरिटी, ये सारा चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स, ये सारा आईआर का हिस्सा है। और वैसे भी जब मैं ये पढ़ाऊंगी तो बीच में मैं आईआर की काफी सारी थेरीज और काफी सारी टर्मिनोलॉजीज आपको साथ साथ कराती जाऊंगी, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इसके बाद जी हम जाएंगे करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यूएस चाइना राइवलरी को कवर करें, इसमें इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स को कवर करें, हम ताइवान क्राइसिस की बात करेंगे, हम ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात करेंगे जो बैलेंस ऑफ पावर वाली है, ठीक है? और इसी तरह यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात कर लेंगे जो अभी कॉन्टेम्प्ररी उस वर्ल्ड में चल भी रहे हैं, ठीक है? और बाकी इसी तरह की जो भी चीजें जैसे जैसे
करंट अफेयर्स में अगर हमारे सेशन के दौरान चेंज होती गई तो हम उसको कवर कर लेंगे। बाकी मैं करंट अफेयर्स का सेशन भी लेती हूँ, तो जब आपका अगर यूएस हिस्ट्री वाला खत्म भी हो गया और अगर कोई करंट डेवलपमेंट दुनिया में यूएस से रिलेटेड ऐसी हुई, तो हम दोबारा एक क्लास रख के उसमें उस पूरा करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है मेरी तरफ से कि हमने रफली अपने सिलेबस में ये चीजें कवर करनी है। इसके अलावा हम पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे, हमारी असाइनमेंट्स होंगी। पास्ट पेपर में स्पेशली 2023 को तो हम काफी डिटेल में देखेंगे, ठीक है, हम क्वेश्चंस प्रॉपर अटेम्प्ट कर लेंगे हेडिंग्स के साथ, और आपके मॉक्स वगैरह होंगे, और बाकी आपके अगर कोई सवाल होंगे तो हम वो भी ले लेंगे, ठीक है। अब मैं जरा स्क्रीन वापस लेके जाती हूँ और मैं देखूँ आपके कोई सवाल है तो।